डॉक्टर ने कहा तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो मगर ये लो, गोली लो, पहले चलो लो। लेट जाओ, लेट जाओ, चलो लेटो। अच्छा वादा कीजिए मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं जाऊंगा, बस अभी आराम करो, फिर आंखें बंद करो, लेट जाओ। जब तैरना नहीं आता था तो पानी में गई क्यों? अपने साथ मुझे भी डुबो दिया। अब इससे पहले कि वो पुलिस को खबर करे, तुम्हें हमेशा के लिए उसे खत्म कर देना होगा। तुम्हें हमेशा के लिए उसे खत्म कर देना होगा। क्यों खत्म कर देना होगा? मैं अपने पति को मार डालूंगी, मैं अपने पति को मार डालूंगी। डरो नहीं, सो जा। नहीं, मुझे छोड़कर से नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा, कभी छोड़कर मत। नहीं जाऊंगा, सो जा, लेटो।
टुकड़े क्या चुन रही हो? शीशा टूट चुका है। तस्वीर तो सलामत है। असली तस्वीर मिट चुकी है। पेपर की न्यूज गलत नहीं हो सकती। ये तुमने किया है, ये सब कुछ तुमने किया है। उल्टी शिकायतें हुई, एहसान तो गया। जो काम तुम ना कर सकी वो हमने पूरा कर दिया। तूने मेरे पति की जान ली। जलील कमीने, मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी, मार डालूंगी तुझे। इस कागज की तस्वीर को पूजने से बेहतर है कि इन कागजात पर दस्तखत कर दो। मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तमाम जरूरी कागजात कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ इन कागजात पर तुम्हारे दस्तखत की जरूरत है। मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगी।
पागल ना बनो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस दौलत को हासिल करने के लिए मैं दो खून कर चुका हूँ, और दो खून कर देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तुम चाहे मेरी जान ले लो, मैं दस्तखत नहीं करूंगी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे बाप को खत्म कर दूं जो इस वक्त मेरी कैद में। तुम्हारी माँ इस गम से तड़प तड़प कर मर जाएगी। देखना चाहती हो तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारे बाप को किस तरह मारूंगा। यहीं से जी भर कर देख लो, क्योंकि फिर जिंदगी में इसकी सूरत देखने को तरस जाओगे। जानती हो इसका क्या हशर होगा? मेरे पापा को मत मारो। अगर तुम अपने बाप को इस भयानक मौत से बताना चाहती हो तो इन कागजात पर दस्तखत कर दो। कर दूंगी, मगर मुझे वचन दो, मेरे बाबू पर आज भी नहीं आएगी। नहीं आएगी, लेकिन इससे कह दो कि तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी किसी से नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे बापू। मैं किसी से कुछ नहीं। ठीक है, ये लो। मैं किसी से कुछ नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं। वंडरफुल, सिग्नेचर तो बिल्कुल वैसे किए जैसे सिखाए थे। थैंक यू प्रिंसिपल जी। सच के कह दीजिए।